हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस कुमार, आप देख रहे हैं आई सी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, वो पैसा उनके वॉलेट में ऐड हो जाता है। उसको अपने अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का जो बीसी एजेंट ऐप है तो उसे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्रा ऐप एयरटेल का है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक, तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लापू नंबर यानी कि जो एयरटेल का इजी सिम का नंबर है वो, और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन करते हैं। यहाँ पर देखिए हम मोबाइल नंबर टाइप कर दिए हैं और पासवर्ड भी टाइप कर दिए हैं। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल गया है। जब भी हम कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आधार कार्ड का ये ऑप्शन दिया हुआ है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां से कैश विड्रॉल करते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और सेंड टू बैंक, यहां से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहां पर आपको सबसे ऊपर रिटेलर बैलेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जब आप कोई कस्टमर का पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर वो एड होते रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाते रहेगा। तो यही अमाउंट को आप अपने अकाउंट में कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेंड टू बैंक यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिटेलर के लिए है, यहाँ पर रिटेलर अपना अकाउंट ऐड करेगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र करने के लिए ₹1 भेजा जाएगा, वेरीफाई यानी कन्फर्म करने के लिए अकाउंट पहले ₹1 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर टाइप कर दिए हैं और जो आईएफएससी कोड है वो टाइप कर दिए हैं। अब ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर एम पिन, तो यहाँ पर एम पिन डाल देंगे, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन है उसे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ₹1 आपके इस अकाउंट नंबर पे। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, कन्फर्म आपको देखना है कि आपके अकाउंट में ₹1 गया या नहीं। फ्रेंड्स, जब हम एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे ₹2500, तो उसका वीडियो नहीं बन पाया। तो चलिए हम आपको फिर से वॉलेट का पैसा को अकाउंट में ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पे आ जाना है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा 2500 ट्रांसफ़र करने के बाद ₹238 बचे हुए हैं, इसे चलिए आपको सेंड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेंड टू बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर, वो यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहा, और कितना मेरा वॉलेट में पैसे हैं वो यहाँ पर आप देख सकेंगे। नीचे आपको अमाउंट टाइप करना है, कितना अमाउंट आपको अकाउंट में सेंड करना है। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देते हैं।
तो देखिए हमको 100 ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट पे, तो यहाँ पर 100 टाइप कर दिए हैं। अब ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए 100 रुपये ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अकाउंट में, इस अकाउंट नंबर पे। तो यहाँ पर कंफर्म कर देना है, तो चलिए यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एम पिन है डाल देना है और कंफर्म करना है। एम पिन जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन है उसे यहाँ पर डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये ये ट्रांसफ़र हो चुका है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो ऐड किए थे उस अकाउंट पे मेरा चला गया है, और यहाँ पर वॉलेट में अब 138 रुपये बच गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप वॉलेट का पैसा को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।